संदीप और आप देख रहे हैं मेरे साथ खबर 24 न्यूज। दिखाते हैं आपको झालावाड़ मंदसौर और रामगंज मंडी क्षेत्र से जुड़ी हुई देर शाम की तमाम खबरें। बात करते हैं सबसे पहले भवानी मंडी शहर से। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं राजस्थानी गोल्ड मसाला। भवानी मंडी के शहर के बाजारों में रविवार को रक्षाबंधन के पर्व को लेकर बहनों की उमड़ी भीड़। बहनें बड़ी तादाद में बाजार में राखी की खरीदारी करने के लिए पहुंची। वे पसंदीदा राखी प्यारे भाइयों के लिए खरीद रही थी। ऐसा माहौल भवानी मंडी शहर के बाजार में दिखाई दिया। कल सोमवार को सावन मास का अंतिम दिवस के दिन कल शुभ मुहूर्त में बहनें अपने भाइयों को कलाई पर पवित्र राखी का धागा बांधकर त्यौहार सेलिब्रेट करेगी। वहीं रक्षाबंधन के इस पवित्र त्यौहार पर बहन अपने भाई के साथ राखी का त्यौहार यादगार बनाने के लिए कई तरह तरह के उपाय जुटा रही है। बहनें अपने भाई के पसंदीदा कलर डिजाइन की राखियाँ लेकर बाजार से आएगी। वह अपने भाई की कलाई पर बांधकर मिठाई व गिफ्ट भी देगी। इसको लेकर शहर के प्रसिद्ध बाजार पुरानी सब्जी मंडी में महिलाओं की भीड़ देखने को नजर आई। महिलाएं राखी की दुकान पर, गिफ्ट की दुकान पर और साड़ियों की दुकानों पर तो वहीं मिठाइयों की दुकानों पर भी बड़ी संख्या में कतार में खड़ी होकर दिखाई दी। बाजार में होने वाली खरीदारी से व्यापारियों के चेहरे पर भी रंगत बनी हुई है। आज महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस नारे के द्वारा देश को लोगों में स्वतंत्रता संग्राम का अलग जगाने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पुण्यतिथि पर राजकीय बिरला महाविद्यालय भवानी मंडी में स्थानीय स्थित उनकी प्रतिमा पर साफ सफाई करके माला पहनाकर देश सेवा में उनके बलिदान को याद किया गया। समाज सेवी गणेश सालेचा ने बताया कि एक विमान दुर्घटना में आजादी की इस महान नायक की मौत हो गई थी। 18 अगस्त को बोस ने आजाद हिंद पार्टी का गठन किया था। देश की आजादी में अपना प्रमुख योगदान दिया। इस अवसर पर कृषि उपज मंडी व्यापार संघ के उपाध्यक्ष राजेश जैन करावन, कमल शर्मा उर्फ लाला भाई, पीरू खान, अनवर अली और अनिल बबलू, गोपाल राजकुमार आदि उपस्थित रहे। कार्यक्रम बसंती लाल मानमल सालेचा सेवा संस्थान भवानी मंडी के द्वारा आयोजित किया गया। पिड़ावा क्षेत्र के पंचावा माताजी मंदिर में धर्मशाला में रविवार को जय भवानी राष्ट्रीय राजपूत महासभा की जिला व तहसील कार्यकारिणी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें गोविंदपुरा निवासी गोविंद सिंह को पुनः पिड़ावा तहसील अध्यक्ष के लिए नियुक्त किया। तो वहीं मुमना निवासी नेपाल सिंह को जिला उपाध्यक्ष, हड़मतिया निवासी कमल सिंह हड़मतिया को जिला संगठन मंत्री, कुंडला निवासी रघुराज सिंह को जिला सचिव नियुक्त किया। बैठक में राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष हरपाल सिंह, उपाध्यक्ष पीरू सिंह, जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह राजपुरा, एलकार सिंह, गोविंद सिंह, पहला सिंह, दिलीप सिंह, भरत सिंह, ईश्वर सिंह, नटवर सिंह, कमल सिंह, श्याम सिंह, लाल सिंह, मदन सिंह, सूरज सिंह आदि मौजूद रहे। पिड़ावा क्षेत्र के तुमड़ियाखेड़ी गांव में स्थित श्री राम मंदिर पर चल रही 7 दिवसीय धार्मिक सप्ताह जी का रविवार को पूर्णाहुति के साथ समापन हुआ। ग्रामवासी गोपाल दांगी ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी गाँव में श्री राम मंदिर पर 7 दिवसीय सप्ताह जी का आयोजन किया जा रहा था। इस दौरान प्रतिदिन भजन संध्या का आयोजन हुआ था। उसके बाद बाहर से आए हुए कलाकारों ने भजनों पर मनमोहक नृत्य की प्रस्तुति दी और रविवार को यहां पंडित प्रेम नारायण शर्मा के निर्देशन में यज्ञ में पूर्णाहुति के साथ धार्मिक आयोजन करते हुए समापन किया गया। इस अवसर पर गांव में बैंडबाजे के साथ कलश यात्रा शोभा यात्रा निकली, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए। इसके बाद यहाँ महाप्रसादी का भी आयोजन किया गया, जिसमें तुमड़ियाखेड़ी सहित डोला, गर्दनखेड़ी, सिलोरी, निपानिया, खेराना, जेताखेड़ी, मायाखेड़ी आदि गांवों से श्रद्धालुओं ने यहां आकर महाप्रसादी ग्रहण की। सिलेगढ़ ग्राम पंचायत के ग्राम झिकड़िया में प्रतिनिधि मंडल ने आज अपने गांव के प्राथमिक विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करवाने की मांग को लेकर भवानी मंडी प्रधान सुल्तान सिंह चौहान के उनके आवास पर जाकर भेंट की तथा विद्यालय क्रमोन्नत का विषय भी रखा। झिकड़िया निवासी मुकुंदलाल कीर ने बताया कि ग्राम पंचायत सिलेगढ़ के ग्राम झिकड़िया, कोचरा खेड़ी तथा देवगिरी तीनों गांव पास पास में है और तीनों ही गांवों में प्राथमिक विद्यालय भी संचालित है। कक्षा 5 के बाद तीनों गांवों से लगभग 40 बच्चे हर साल कक्षा 6 के लिए उच्च माध्यमिक विद्यालय सिलेगढ़ के लिए प्रवेश लेते हैं, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दूरी अधिक होने के कारण कई विद्यार्थी सत्र के बीच में ही विद्यालय छोड़ देते हैं, जिससे उनकी शिक्षा उच्च शिक्षा अधूरी रह जाती है और छात्राओं को भी बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उक्त समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उक्त विद्यालय क्रमोन्नत करवाने हेतु प्रधान सुल्तान सिंह चौहान को ग्रामवासियों ने उनके आवास गुराड़े जोगा पर जाकर प्रार्थना पत्र सौंपा और विद्यालय को क्रमोन्नत करवाने की मांग की। इस मौके पर झिगड़िया से आए विक्रम सिंह, बहादुर सिंह, कैलाश केवट, अजय केवट, दिलीप सिंह, यशवंत सिंह, विक्रम सिंह, महेंद्र सिंह, विक्रम कीर आदि उपस्थित रहे। संस्कार भारती झालावाड़ इकाई के तत्वावधान में अमर शहीद मदन लाल डिंगार को उनकी शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि एक संगीत के कार्यक्रम के माध्यम से प्रदान की, जिसमें संस्कार भारती के सदस्यों ने देश प्रेम से रचित गीत और कविताओं का गायन किया।
वहीं कार्यक्रम का आगाज डॉक्टर जितेंद्र कानूड़ो ने देशभक्ति गीत ए वतन हमको तेरी कसम तेरी राहों में जान तक लुटा जाएंगे गाकर किया। इसके बाद उज्ज्वला कानूड़े ने गीत ए वतन मेरे लिए लोगों जरा आंख में भर लो पानी सभी की आंखें नम हो गई। नरेंद्र दुबे ने मशहूर गीत ताकत वतन की तुमसे इज्जत वतन की तुमसे इंसान के तुम रखवाले गीत से भरे भारत के सैनिकों के पराक्रम को याद किया। और पुष्पा लता दुबे ने अमर स्वतंत्रता सेनानी मदन लाल डिगार की व्यक्तित्व और जीवन पर प्रकाश डाला। झालावाड़ झालरापाटन शहर के कृषि उपज मंडी में लगातार हो रही धान की बोरियों की चोरी की घटना सामने आई है, जिसमें भिलवाड़ी निवासी सुरेश चंद गुप्ता ने बताया कि शनिवार को मैंने गेहूं की बोरियां और कृषि उपज मंडी में रखवा दी थी। जब मैंने दूसरे दिन जाकर देखा तो उसमें से 5 बोरियां गायब थी। कृषि उपज मंडी में हम्माल लोगों ने कहा कि यह घटना कई दिनों से हो रही है। बताया गया कि जिस जगह पर धान रखा हुआ रहता है वहाँ के सारे कैमरे बंद पड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि व्यापारी वर्ग और किसान काफ़ी परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए प्रशासन से निवेदन है कि इस तरह की चोरी की घटनाओं पर रोक लगाई जाए जिससे गरीब किसान का नुकसान ना हो। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर बांग्लादेश की घटनाओं के विरोध में मंदसौर के सभी नागरिकों ने जन आक्रोश देखा गया। इस दौरान विरोध प्रदर्शन भी हुआ। इसके साथ साथ गांधी चौराहे पर मानव श्रृंखला बनाई गई। मानव श्रृंखला में बड़ी संख्या में शहर के नागरिक मौजूद रहे। इस अवसर पर तख्तिया लहराई और तख्तियों पर उल्लेख किया गया कि बांग्लादेश के नवगठित सरकार के अत्याचार करने वालों पर कठोर कार्रवाई करे। भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से भी आग्रह किया कि वे कठोर भाषा में बांग्लादेश के वर्तमान शासकों पर दबाव बनाए कि इस तरह की घटनाएं बंद हो। इस अवसर पर एक ज्ञापन भी जिला प्रशासन को दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि भारत सरकार, संयुक्त राष्ट्र संघ, मानवाधिकार आयोग, दक्षेस तत्काल बांग्लादेश की घटनाओं को संज्ञान में लेकर वहां के हिंदू सहित अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को सुनिश्चित करें। मंदसौर में जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक पुलिस कंट्रोल रूम पर हुई संपन्न, जिसमें आगामी दिनों में आने वाले पर्व जिसमें अंतरिम श्रवण, सोमवार, शाही सवारी, रक्षाबंधन, कृष्ण जन्माष्टमी, गोवा नवमी, गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव, ढोल ग्यारस, मिलाद नव उल नबी, परिवेशन महापर्व, अनंत चतुर्दशी आदि पर्वों की जाने वाली शांति व्यवस्था पर चर्चा की। बैठक में कलेक्ट्रेट अदिति गर्ग ने कहा कि पारंपरिक रीति रिवाज को अपनाने में शासन की मदद ले सकते हैं। इसके साथ आयोजक मंडल नवीन व्यवस्थाओं एवं जहां पर ट्रैफिक समस्या रहती है वहां पर नवीन मार्गों को भी उपयोग कर सकते हैं। ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से आमजन को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। आयोजनकर्ता आयोजन के दौरान वॉलंटियर नियुक्त करें और वॉलंटियर अधिक से अधिक व्यवस्था देखें। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। फिर मुलाकात होगी नई तमाम खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। इस बुलेटिन के प्रायोजक थे राजस्थानी गोल्ड मसाला। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचोरी एंड मिस्टर भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरा लाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिस्टर भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजेटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।